सबसे पहले हमने ऑलरेडी साइक्लिक प्रोसेस में देखा था कि क्या होता है। साइक्लिक प्रोसेस में आप इनिशियल से आप सेम फाइनल स्टेट पे पहुंचते हो, ठीक है। तो इसकी वजह से सबसे पहले जो भी चेंज इन स्टेट फंक्शन रहेगा, इन साइक्लिक प्रोसेस, हमने ऑलरेडी पॉइंट लिखा है पहले भी, इस जीरो। अब इसका क्या मतलब है कि यहां पे लेट से ये कोई तो एक स्टेट फंक्शन है पाई, इसका अगर आपको चेंज निकालना है तो इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो। चेंज इन टेम्परेचर, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट अगर सेम रहेगा ये जीरो। चेंज इन प्रेशर, ये जीरो रहेगा। चेंज इन एस दैट इज एंट्रोपी, ये जीरो रहेगा। चेंज इन एंथाल्पी, ये भी जीरो रहने वाला है। अब नेक्स्ट, एक साइक्लिक फंक्शन दिखता है कैसे। तो सबसे पहले चीज ध्यान देना, ओके, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, दो लूप बना रहा हूं। यह लूप वन एंड ये जो नेक्स्ट वाला है, दिस इज लूप नंबर टू। ध्यान दो, पहले ध्यान दो, लिखने में फोकस करो, ध्यान देना, ओके। ये जो लूप है ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, ध्यान देना। ये जो लूप है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ओके। अब आपको यहां पे पहचानना है किसका साइन पॉजिटिव रहेगा, किसका साइन नेगेटिव है। ऑफकोर्स ये पीवी का ग्राफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन में आते हैं, तो ये पीवी ग्राफ है, ध्यान देना। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे, सबसे पहले चीज आप क्या करो, यहाँ पे दो पॉइंट पकड़ो, ये आपका पॉइंट नंबर वन है, सॉरी ये आपका पॉइंट नंबर वन है, ये आपका पॉइंट नंबर टू है। अब जरा नोटिस करो, यहाँ पे ये पार्ट ऑब्जर्व करो, ये पार्ट पे आप क्या देख रहे हो, आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो आप नोटिस करो, ये पॉइंट से जब आप ये पॉइंट पे जाओगे आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, नोटिस करो वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब ये पार्ट पे क्या हो रहा है, एक्सपांशन, एक्सपांशन हो रहा है, मतलब वर्क डन क्या रहेगा, नेगेटिव। अब इसका नीचे का पार्ट चेक करो, नीचे का पार्ट जब आप चेक करोगे तो यहां पे आप क्या नोटिस कर रहे हो, आप कहां से कहां जा रहे हो, राइट से लेफ्ट, वॉल्यूम क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, वॉल्यूम लेस हो रहा है, इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन से जो वर्क डन रहेगा ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ध्यान देना। अब यहां पे कंप्रेशन से जो वर्क डन का एरिया रहेगा वो बस कितना रहेगा, कितना रहने वाला है, एक्सपांशन से जो वर्क डन का एरिया रहेगा, एरिया अंडर द कर्व, देखो यहां पे नोटिस हो रहा है कि एरिया अंडर द कर्व यहां पे क्या है, एक्सपांशन का ज्यादा है। तो अगर आप यहां पे ये दो रीजन को सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब ये जो ब्लैक से मैंने बनाया है, अगर आपने ये दो रीजन को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो एरिया मतलब टोटल नेट वर्क डन क्या रहेगा, ये जो सर्कल के अंदर जो भी है ये आपका क्या रहेगा, नेट वर्क डन रहेगा। मैं वापस समझाता हूं, जरा ध्यान देना। देखो आपका ब्लू लाइन जो दिख रहा है, ब्लू कर्व जो कंप्रेशन वाला है, अब उसके नीचे का एरिया चेक करो, ये बस कितना है, इतना ही है, ओके। रेड का चेक करो, रेड का आप क्या देख रहे हो, ये इतना है, ये पूरा है। ऑफकोर्स यहां पे ये नीचे वाले वर्क को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे ऊपर वाले टोटल वर्क से, तो आपको क्या मिलेगा, ये सिर्फ सर्कल का टोटल एरिया मिलेगा। आई होप ये समझा आपको, ओके। तो यहां पे किसका वर्क डन ज्यादा है, ऑफकोर्स नेगेटिव वर्क या एक्सपांशन का वर्क डन ज्यादा रहेगा ना, तो क्लॉकवाइज रहेगा, तो वर्क डन क्या रहेगा, आप चाहे तो लिख सकते हो W नेट, ये इक्वल टू क्या रहेगा, नेगेटिव क्लॉकवाइज के। अब यहां पे चेक कर दे, ध्यान देना, यहां पे भी सेम कंसेप्ट, दो पॉइंट उठाओ, इसको आप पॉइंट वन लो, इसको आप पॉइंट टू लो, यहां पे कैसे घूम रहा था, एंटी क्लॉकवाइज,
ओके, अब ध्यान देना, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। सबसे पहले चेक करो ये प्रोसेस वन से लेके टू तक, वन से लेके टू तक आप क्या नोटिस कर रहे हो? वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब नीचे का पार्ट क्या हो रहा है? इट इज एक्सपांशन। वैसे ऊपर का वॉल्यूम चेक करो, ऊपर क्या हो रहा है आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है? लेफ्ट के साइड जा रहा है। फिर तुम्हें कोई दूसरा कलर के तो बता दो, रेड के तो। यहां पे आप क्या नोटिस कर रहे हो? आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है? आपका वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग का मतलब क्या है? यहां पे क्या हो रहा है? कंप्रेशन। अब नेक्स्ट नेक्स्ट आपको एरिया चेक करना है। अब सपोज अब रेड वाले का एरिया चेक करोगे तो रेड वाले का क्या एरिया देखोगे? ये पूरा जो एरिया है ये पूरा किसमें आ रहा है? रेड का कर्व के अंदर आ रहा है पूरा। वैसे अगर आप ब्लैक जो एक्सपांशन वाला रीजन है उसका एरिया देखोगे तो वो तो बस इतना ही है। अगर आपने क्या किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो सिर्फ कौन सा एरिया बचेगा? ऑफ कोर्स ये जो सर्कल के अंदर का एरिया है बस इतना ही बचने वाला है दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो यहां पे भी जो नेट वर्क डन रहेगा, अब इसमें ध्यान देना किससे रिलेटेड वर्क डन ज्यादा है? कंप्रेशन से रिलेटेड वर्क डन ज्यादा है। तो कंप्रेशन में हमने लिखा था कि वर्क डन का साइन क्या रहता है? पॉजिटिव। यहां पे नेट वर्क डन क्या रहेगा? पॉजिटिव। इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज साइकिल के जो डाउट है तो देखो डेल्टा टी का मतलब क्या है कि आप सिर्फ यहां पे क्या कंसिडर कर रहे हो? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट कंसिडर कर रहे हो। तो अगर आप इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के बीच का टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए वो जीरो आता है। लेकिन ध्यान देना स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर ये जीरो नहीं रहेगा, ये चीज का ध्यान देना। स्मॉल चेंज का मतलब क्या है कि आप सपोज कहां से कहां गए, चलो ये प्रोसेस में बता रहा हूं, ऊपर का स्मॉल चेंज का मतलब क्या है कि आप यहां से यहां गए, ऑफकोर्स जो चेंज है ये जीरो नहीं है, उसको चेंज पॉजिटिव चेंज हुआ है। ये इस पे फर्क समझा है, तो बीटी जीरो नहीं होता, ये गलती मत कर। ओके, अब एक और चीज, अगर आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करोगे तो आपका तो डेल्टा टी में कोई चेंज ही नहीं है, तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं रहेगा, इसके वजह से आपका डेल्टा यू भी क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। यहां पे आप लिख सकते हो बिकॉज यू इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एंड यहां पे आप लिख सकते हो टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट, यस राइट, डेल्टा टी इज, और यू कैन से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके वजह से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब आप यूज करोगे तो क्यू इक्वल टू यहां पे क्या रहेगा? माइनस डब्ल्यू रहेगा। देखो यही सेम चीजें आपको सेम एग्जैक्ट चीजें फिजिक्स में है, सेम टू सेम है, ऐसा कोई फर्क नहीं है। इसके लिए मैं ये सब चीजें समझा रहा हूं अच्छे से। फिर नेक्स्ट है, ध्यान देना नेक्स्ट वाला ग्राफ में बता रहा हूं। सपोज आपके पास यहाँ पे कुछ ऐसे ग्राफ दिए हैं, ध्यान देना ये ऊपर इस तरफ इधर जा रहा है, इस तरफ और एक इधर। अब यहाँ पे इसका जो एरिया है इसको ए वन लेते हैं, इसका जो एरिया है इसको ए टू लेते हैं। सपोज दोनों का एरिया ए वन ये इक्वल टू ए टू है, ए टू में आप क्या नोटिस कर सकते हो? ये रोटेशन कैसे हो रहा है? ये रोटेशन हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में जो रोटेशन है ये क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज हो रहा है। अब अभी हमने डिस्कस किया था एंटी क्लॉकवाइज में जो भी वर्क डन रहेगा ये पॉजिटिव रहेगा, यहां पे जो भी वर्क डन रहेगा ये नेगेटिव रहेगा। तो यहां पे दोनों का जो नेट वर्क डन रहेगा ये क्या रहेगा? W1 प्लस W2 रहेगा।
तो W1 तो क्या है, नेगेटिव है, W2 क्या है, पॉजिटिव है, एरिया अंडर द कर्व दोनों का सेम है, एरिया अंडर द कर्व दोनों का सेम है, इसका मतलब ये दोनों कैंसिल आउट होएगा, तो आपका W नेट जो है ये इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो रहेगा। कब जीरो रहेगा, तो इधर मैं लिख के देता हूं, जब एरिया अंडर कर्व इज इक्वल प्लस, प्लस यहां पे क्या रहना चाहिए, बोथ रोटेशन या फिर बोथ प्रोसेसेस शुड हैव डिफरेंट रोटेशन, ये आपका कंडीशन रहना चाहिए। लेकिन सपोज आपने प्रेशर एंड वॉल्यूम का ग्राफ बनाया, तो ये प्रोसेस कुछ ऐसे है, यहाँ पे एक सर्कल दिया है, इधर एक सर्कल दिया है, ये कुछ इस तरह घूम रहा है, एंड ये भी कुछ यहाँ पे ये इस तरह घूम रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरह घूम रहा है। अब यहाँ पे देखना, सबसे पहले इन दोनों का एरिया सेम है, ये ए वन है, ये ए टू है, यहाँ पे लिखना ए वन इक्वल टू ए टू। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पहले लूप का रोटेशन इस तरफ है, क्लॉकवाइज है, दूसरे लूप का भी रोटेशन क्लॉकवाइज है, इसका साइन ऑफकोर्स नेगेटिव रहेगा, इसका साइन ऑफकोर्स नेगेटिव रहेगा। सपोज आपको डब्ल्यू नेट ढूंढना है, तो डब्ल्यू नेट इक्वल टू क्या रहेगा, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, डब्ल्यू वन क्या रहेगा ऑफकोर्स नेगेटिव, डब्ल्यू टू भी नेगेटिव रहेगा, दोनों का एरिया सेम है, इसका मतलब दोनों का वर्क डन भी सेम रहेगा, फिर माइनस टू डब्ल्यू वन रहेगा। हर बार जीरो नहीं होता है, जीरो होने के लिए कंडीशन मैंने बताया कि दोनों का रोटेशन का डायरेक्शन क्या रहना चाहिए, डिफरेंट। होप ये पार्ट क्लियर हो। सबसे पहला काम आपका क्या रहना चाहिए, देखो आपको पॉइंट नंबर टू पे क्या क्या पता है, प्रेशर पता है, प्रेशर इज वन बाय ई, वॉल्यूम कितना है ये पता नहीं है, ये हम लोग क्या करेंगे, इसको ढूंढेंगे। अब ढूंढने के लिए आपको यहां पे सबसे पहले क्या दिया, एक रिलेशन दिया है, क्या रिलेशन दिया है कि P इक्वल टू E रेस टू माइनस बी है, तो हम लोग वॉल्यूम किससे ढूंढेंगे, आपको ये रिलेशन ही यूज करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। P के बदले यू सब्स्टिट्यूट वन अपॉन E, यहां पे क्या रहेगा E रेस टू माइनस बी रहेगा। अब ये E को क्या करो, अब ऊपर लेके जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, E रेस टू माइनस वन हो जाएगा, इक्वल टू E रेस टू माइनस बी होएगा। ये दोनों को कंपेयर करो जरा, क्लियरली आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू वन, यहां पे आपको वॉल्यूम कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी। वैसे थर्ड पॉइंट के लिए, थर्ड पॉइंट के लिए आप क्या नोटिस कर रहे हो, आपका जो पी थ्री है, पी थ्री किसके बराबर है, इसके बराबर है ना, तो ये इक्वल टू क्या आएगा, वन अपॉन ई स्क्वायर आएगा। वैसे अभी आपको वी थ्री फाइंड आउट करना है, यहाँ पे भी सेम रिलेशन आएगा, कौन सा रिलेशन यूज करोगे, पी इक्वल टू, इसको नीचे बनाता हूं, यहाँ पे पी इक्वल टू ई रेस टू माइनस बी, यहाँ पे आपका पी क्या है, वन अपॉन ई स्क्वायर है, ये इक्वल टू ई रेस टू माइनस बी रहेगा, ई स्क्वायर को ऊपर लेके जाओ तो ये ई रेस टू माइनस टू होएगा, ये ई रेस टू माइनस बी होने वाला है, आपका वॉल्यूम यहाँ पे कितना रहेगा, इट विल बी, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन आपको दिख रहा है ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन रहेगा तो इसका स्लोप का फॉर्मूला क्या रहेगा, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री सी, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया स्ट्रेट लाइन, ये सब का इक्वेशन आपको याद रहना चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है। अब वाई का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, पी कर रहा है, एम आपको ढूंढना है,
एम पता नहीं है, उसको रख दो ऐसे। एक्स का काम यहां पे कौन कर रहा है, वॉल्यूम बी कर रहा है। सी मतलब हमारा वाई इंटरसेप्ट यहां पे किधर है, जीरो पे है। ओके अब नेक्स्ट यहां पे आपको क्या ढूंढना है, एम ढूंढना है। तो सबसे पहले चीज आपको यहां पे पता है कि ये पॉइंट पे बी का वैल्यू कितना है, तो ये पॉइंट पे बी का वैल्यू इज वन। ये पॉइंट पे ई का वैल्यू भी मुझे पता है, ई का वैल्यू कितना है, वन बाई ई। तो यहां पे लिखना एट पॉइंट टू एम, सॉरी पी का वैल्यू इज वन बाई ई। एम मुझे ढूंढना है, वॉल्यूम का वैल्यू इज वन। तो यहां पे हमें एक रिलेशन मिल गया, एम इक्वल टू क्या मिल रहा है, वन बाई ई। यहां से आपको एक रिलेशन मिल गया, ये इक्वेशन क्या रहेगा, पी इक्वल टू वन अपॉन ई इंटू यहां पे क्या रहेगा, बी रहने वाला। तो पॉइंट नंबर वन पे आपको प्रेशर पता है, प्रेशर कितना है, वन अपॉन ई स्क्वायर। आपको वॉल्यूम ढूंढना है, तो वॉल्यूम आप कौन से रिलेशन से ढूंढोगे, जो आपने अभी ढूंढा, तो पी के बदले आएगा वन अपॉन ई स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन ई इंटू क्या आएगा, बी आएगा। ई और ये ई स्क्वायर कैंसिल आउट होएगा, बी इक्वल टू क्या आ रहा है, वन बाई ई। ये बी वन इक्वल टू कितना आ रहा है, ठीक है। वापस रिपीट करता हूं, पी डी बी क्यू यूज किया, रिवर्सिबल प्रोसेस है। फर्स्ट वाला प्रोसेस कहां से कहां जा रहा है, वन से टू जा रहा है। तो इनिशियल वन आएगा, फाइनल टू आएगा, साइन नेगेटिव रहता है, आपको पता है वर्क डन के लिए फॉर्मूला जो यूज करोगे नेगेटिव यूज करोगे। सेम गोज ओवर हियर, यहां पे भी क्या यूज करोगे, नेगेटिव साइन। प्रोसेस कहां से कहां जा रहा है, टू से थ्री जा रहा है, टी डी बी है। वापस माइनस, प्रोसेस कहां से जा रहा है, थ्री से वन जा रहा है, इधर से इधर। यहां पे भी रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो EDBI। अब ध्यान दो, अब वन से टू जाने के लिए रिलेशन क्या था, रिलेशन वॉज पी के बदले आप क्या लिखोगे, वन अपॉन ई। यहां पे क्या आएगा, वी आएगा, इनटू क्या आने वाला है, यहां पे डीबी आएगा। वॉल्यूम, यहां पे वॉल्यूम कितना था, तो यहां पे वॉल्यूम वॉज वन, यहाँ पे आपका वॉल्यूम क्या था, टू पे टू सॉरी वन पे आपका वॉल्यूम वॉज वन बाई ई, टू पे आपका वॉल्यूम वॉज वन, थ्री पे आपका वॉल्यूम वॉज टू। तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम किधर से किधर चेंज हो रहा है, वन बाई ई से वन तक चेंज हो रहा है, साइन क्या आएगा, माइनस। चलो इधर, यहाँ पे आपका वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, वन से लेके टू तक, ओके। अब यहां पे कौन सा रिलेशन आएगा, तो यहां पे ऑफकोर्स आप ये वाला रिलेशन यूज करोगे, पी के बदले आप लिखोगे ई रेस टू माइनस बी इंटू डीवी। वापस माइनस साइन आएगा, थ्री से लेके वन तक यहां पे आएगा थ्री, थ्री पे आपका वॉल्यूम कितना था, टू, फाइनल वॉल्यूम कितना हो रहा है, वन अपॉन ई। यहां पे आपका प्रेशर आप नोटिस कर सकते हो, ये स्ट्रेट लाइन पे है, यहाँ पे आपका प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। चलो प्रेशर क्या होएगा, बाहर आएगा, डीवी वाला पार्ट क्या रहेगा, अंदर रहेगा। अब ध्यान देना, माइनस साइन, वन अपॉन ई जो है ये कांस्टेंट है, बी का इंटीग्रेशन, बी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, बी स्क्वायर बाई टू। यहाँ पे अपर लिमिट इज वन, लोअर लिमिट इज वन बाई ई, ओके। माइनस e रेस टू माइनस बी है, अब यहाँ पे e रेस टू माइनस बी है, तो e रेस टू माइनस बी का जो भी मतलब e रेस टू x का जो भी डेरिवेशन रहता है, e रेस टू x ही आता है। सिर्फ यहाँ पे क्या लिखोगे, e रेस टू माइनस बी आएगा, अपॉन क्या रहेगा, माइनस वन, इधर एक माइनस साइन। यहाँ के लिए लिमिट क्या रहेगा, वन से लेके टू तक। नेक्स्ट में तो कॉन्स्टेंट प्रेशर कितना है, तो कॉन्स्टेंट प्रेशर इज वन अपॉन ई स्क्वायर। यहां पे डी बी
डीवी का इंटीग्रेशन क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी वी, अपर लिमिट इज 1/e, लोअर लिमिट इज गोइंग टू बी 2. ओके, अब ध्यान देना नेक्स्ट वाले पार्ट में, ये तो माइनस वन अपॉन ई रहेगा, 2 वाला पार्ट कॉन्स्टेंट है तो उसको बाहर ले लो, अपर लिमिट क्या आएगा, बी का स्क्वायर करना है तो ये तो 1 स्क्वायर होएगा, माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या रहेगा, 1 का स्क्वायर अपॉन ई का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 1 और ये माइनस 1, प्लस 1 हो जाएगा, ई रेस टू वी के बदले आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, ई रेस टू माइनस 2 माइनस ई रेस टू माइनस 1 आएगा, ब्रैकेट क्लोज. नेक्स्ट इज माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर, बी के बदले पहले अपर लिमिट, यहां पे आएगा 1 बाई ई, माइनस लोअर लिमिट इज व्हाट, 2. ओके, अब इसको जरा सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करोगे तो ये होएगा माइनस 1 अपॉन 2 ई, यहां पे 1 माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर, इसका डिनोमिनेटर को सेम करो, ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे एंड डिवाइड करोगे, फिर इधर भी यहाँ पे 1 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई रहेगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 माइनस ई बाई ई स्क्वायर होना चाहिए. फिर यहाँ पे इसको अगर आप सॉल्व करोगे, एक सेकेंड, यहाँ पे हाँ, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा ई से मल्टीप्लाई ई से डिवाइड, तो ये 1 माइनस 2 ई अपॉन ई होएगा, यहाँ पे क्या रहेगा 1 बाई ई. अब इसको जरा सॉल्व कर लेना, जो भी है करना है कर लो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं लेकिन मेन को इधर तक तो आना है, इधर तक कोई डाउट है तो.